नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं डेरा सच्चा सौदा संस्था में। यहाँ पर लाखों में लोग पहुंचे हुए हैं, जानते हैं लोगों से बातचीत करके उनका अनुभव, आस्था, विश्वास कैसी है संत जी के साथ। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? उपिंदर कौर। मैम कितने समय से आ रहे हो डेरा सच्चा सौदा? मुझे 25 साल। कितना विश्वास करते हो? बहुत ज्यादा। क्यों विश्वास करते हो? आपकी जिंदगी में ऐसा क्या बदलाव आया जो आज भी आप गुरु जी के ऊपर? हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव आया, यहाँ कोई ऐसा नहीं, यहाँ चंगी शिक्षा ही होती है। मैम लेकिन संत जी के बारे में काफी अलग अलग बातें फैलाई जा रही थी, उनके ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे थे, क्या लगता है आपको? वो सब झूठ है, ये मीडिया झूठ प्रेत बहुत ज्यादा बोल रही है। यहाँ जो आकर देखता है उसे पता चलता है, वहाँ रहकर बोलेंगे वैसे क्या कैसे पता लगेगा। मैम फिर सच क्या है, संत जी का स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है? संत जी का बहुत अच्छा स्वभाव है, बहुत ज्यादा अच्छी शिक्षा देते हैं, बेटियां मानते हैं, देखो हमको सभी चंगे संस्कार देते हैं, ऐसे तो माँ बाप भी नहीं देते। मैम काम क्या किए हैं संत जी ने लोगों के लिए, समाज के लिए? गरीबों को राशन देना, गरीब लड़कियों की शादी करना, ये भी अपने बूटे मगल वगैरह लाना, ये चंगी शिक्षा दी है। तो लगता है जरूरत है समय उन्होंने समाज दे? हाँ जी हाँ, बहुत जरूरत है। क्यों जरूरत है? उन्होंने ना रहने कि प्रभाव पै रहा है, कि माहौल हो रहा है? यहाँ भी जो नवी पीढ़ी आ रही है ना, वो नशिया च पै रही है, बहुत ज्यादा नशा फैल गया, नशे ज्यादा करने लगे। वो आएंगे देखो, वो चंगी शिक्षा देते हैं, नशे छुड़ाते हैं, सेवा सिमन में लगाते हैं नवी पीढ़ी को। क्या मांग करोगे सरकार से? यही मांग करेंगे भी उनको जितनी जल्दी हो सके रिहा करो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की मांग है कि समाज की भलाई के लिए संत जी काम करते हैं, संत जी की रिहाई की लोग मांग कर रहे हैं और अपना अनुभव बता रहे हैं कि ये काफी समय से आ रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं लगा जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा था, जो आरोप लगाए गए हैं। आप भी देखते रहिए जनता के साथ सीधी बातचीत द फैक्ट टाइम के साथ, और अपनी राय खुले दिमाग से सोच के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।